डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। जैसे वो गुच्छा हो गया बीच में, अगर उसे निकालेंगे तो एक तो उनके तने जो रहते हैं जो नाजुक हो जाते हैं, घने उसमें नाजुक हो जाते हैं, और लगाएंगे आप वो टेढ़े हो जाएंगे, क्योंकि जाड़ा निकलना आसान नहीं डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।
मेरा नाम अभय कुमार, मैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर कृषि विभाग जयरीखाल आत्मा परियोजना में कार्यरत हूँ पिछले 7 साल से। और आज हम ग्राम गिरवा के एक बहुत ही प्रगतिशील कृषक हेमंत भाई जी के घर पे, यानी कि उनके खेतों में खड़े हैं, खेतों में बैठे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आपकी मेरे हाथ में एक लौकी है, इसी का एक छोटा सा है, और इसी का जो एक फोकस आप देख रहे हैं सामने हमारे, बहुत जो फुल साइज़ की लौकी है, तो उन्होंने किस तरीके से इसको ईजाद किया है यहाँ पर इन पहाड़ी गाँव के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज कृषि विभाग के माध्यम से कि जैसे हम आत्मा परियोजना में कार्यरत हैं और हम क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आत्मा के बारे में बताऊँगा। आत्मा के माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। आत्मा के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण चलते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं और भ्रमण किसानों को हमारे द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम आएँगे प्रशिक्षण में। तो प्रशिक्षण के माध्यम से जो हम किसान भाई बहनों को तरह तरह के प्रशिक्षण, जैसे हमारा कृषि का है, कृषि में जो है फसलों का उत्पादन हो गया, उनकी उन्नत तकनीकी कैसे, उनको उन अलग अलग नए नए विधियों से कैसे हम उगाते हैं, और फिर जैसे हमारा पशुपालन का है, हमारे उद्यानीकरण के अंतर्गत जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे उद्यानी के हमारे जो है लौकी को लेके हम बैठे हैं यहाँ पे, तो उद्यान का है अपना, मशरूम पालन का है, रेशम पालन का है, मत्स्य पालन का है। तो हमारे आत्मा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो रेखा विभागों के और हमारे कृषि के साथ साथ जो है हम लोग जो है प्रशिक्षण हम जिला स्तर में, अपने राज्य स्तर में और राज्य से बाहर हमारे जो भी हमारे केबी के ये हमारे रिसर्च सेंटर हैं, ये हमारे विश्वविद्यालय हैं एग्रीकल्चर के, यहाँ पे अपने फार्मर को लेके जाते हैं और उनको तरह तरह के हम प्रशिक्षण देते हैं। तो इसके साथ ही हम इसके बाद जो हमारे पास जैसे हम प्रशिक्षण हमने अपने किसानों को दिलवाया है, उसको दिलवाने प्रशिक्षण दिलवाने के बाद हम किसानों को जैसे हमारे किसान प्रशिक्षण लेके आए हैं वापस अपने घरों को और अपने फार्मर अपने जो उनका फार्म है जो उनके खेतीबाड़ी जहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग उसको कैसे अप्लाई करें, प्रशिक्षण तो ले लिया, फिर विभाग के माध्यम से हम उनको बीज, तरह तरह के बीज हमारे जैसे कृषि उद्यान का जो है और अन्य जो रेशम के कैसे रेशम का करना है, या उनको मुर्गी के बच्चे या पशुपालन में गाय वगैरह वितरण करके, या साथ ही साथ जो है मौन पालन के बॉक्स मधुमक्खियाँ वितरण करके उनको जो है एक प्रैक्टिकली जो वो अपने खेतों में उस प्रैक्टिकल को करते हैं वहाँ पे। तो प्रशिक्षण ले लिया, प्रशिक्षण के बाद जो है आत्मा ने प्रदर्शन दिया, प्रदर्शन उन्होंने अपने खेतों में किया, उन्होंने अपने खेतों में फसल तो लगा दी, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि फसल लगाई लेकिन वो सीख के आए लेकिन वो देख के नहीं आए, फिर क्या होता है कि हम आत्मा के जो हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग योजना से जो जुड़े हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं किसान भाइयों को कहते हैं कि आप जो है जो खेतों में आपने लगाया है, जो भी फसल लगाई है, जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसको हमारे साथ चलो और हम आपको भ्रमण कराते हैं कि जो हमारे अन्य जगह के जो फार्मर हैं वो किस तरीके से जो आपने लगाया है उसको कैसे लगा रहे हैं, या किस तकनीकी से लगा रहे हैं, या आपकी भौगोलिक स्थिति कैसी है और उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो उस भौगोलिक स्थिति को आप देखोगे और आपके यहाँ फेवरेबल है वो कंडीशन है, तो आप उस तरीके से उसको अप्लाई करें, या तो उनसे कुछ नया चीज़ सीख के आएँ, जो आप जो भ्रमण का मतलब ये है कि हम विजिट करके आते हैं, देख के आते हैं वहाँ पे अपने किसानों को, जो नए नए किसानों को देख के आते हैं, अच्छे जो बहुत ही हाई लेवल पे जो काम कर रहे हैं किसान, उनका जो है फसल लगाने का तरीका और उनका बोने का, उनका उनको मेडिसिन देने का, ये चीज़ें हम जब देख के आते हैं तो हम ये चीज़ों को अपने खेतों में अप्लाई करते हैं और अपने खेतों के किसान भाइयों को ये बताते हैं कि तुम इस टाइप से हम लोग जो वहाँ पे देख के आए तो हम इस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करें और ऐसे अपने खेतों में इस फसल को लगाएँ या सब्जियों को लगाएँ, या हम मसाले की खेती, आजकल जो हमारा ये वाली जो बेल्ट है बहुत अच्छी मसाले की खेती के लिए बहुत अच्छी है, इस वाली बेल्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बड़ी इलायची का है बहुत अच्छा स्कोप है। मैं किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जो हमारा सीलन वाला जितना भी एरिया है, जितने भी रौले वाले एरिया हैं, तो रौले वाले एरिया के किनारे किनारे हम मसाले की खेती करें, इलायची की खेती करें, और उससे बहुत अच्छा जो है कम से कम 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है प्रत्येक पौधे से हम 1,000 से 2,000 रुपये तक की इनकम जो है उससे ले सकते हैं। तो इस तरह की आत्मा योजना के अंदर बहुत सारी योजनाएँ हैं कि हम किसानों को पुरस्कारित भी करते हैं, जो किसान हमारा बहुत अच्छा किसान है, बहुत अच्छी खेतीबाड़ी कर रहा है, जैसे भाई साहब के यहाँ हम देख रहे हैं कि लौकी की किस तरीके से उन्होंने जाल बनाया है, किस तरीके से एक एग्री टूरिज्म को, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने एक एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तरीके से करें तो एग्री टूरिज्म
हम जो है अपने उत्तराखंड के अंदर हम इन पहाड़ों में इसको विकसित कर सकते हैं। पर अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं आपके लौकी की झाल जो लगा रखी है, ये पेड़ कटे हैं, पेड़ों के ऊपर जो है डंडियाँ बल्लियाँ पड़ी हैं, बल्लियों के साथ जो हमारा जो है लौकी की बेल पूरी सभी जगह फैली है। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक अलग सी फीलिंग दिल में आई कि बहुत ही अच्छा जो है कि ऐसे मोमेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो टूरिस्ट भी यही चाहता है कि इस टाइप के मोमेंट देखें, उसको लौकियाँ टंगी हुई मिल रही हैं ऊपर से, उसको लगे कि आर्टिफिशियल है, लेकिन आर्टिफिशियल ये सारा नेचुरली है। तो नेचुरली जब वो टूरिस्ट घुसेगा तो कुछ ना कुछ, वो आज सिंगल आ रहा है तो कुछ दिन में देखोगे आप तो एक वो 10 लोगों को बताएगा, 10 लोग यहाँ पे आएंगे तो 10 लोग 20 को बताते हैं, 20 40 को बताएगा, और धीरे धीरे जो हमारा जो पहाड़ है पूरा जो है एक एग्री टूरिज्म की ओर भी आकर्षित होगा। जो भी किसान हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जो है एक एग्रीकल्चर टूरिज्म के ओर आकर्षित हों और इसको बढ़ावा दें, जिससे हमारे जो है प्लान से जो लोग आए हैं उनका ही विकास होगा और हमारे पहाड़ का ही विकास होगा। डाली डाली फूल, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर। मैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर अभय कुमार, कृषि विभाग जहरीखाल आत्मा परियोजना से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के हमारे अध्यक्ष हमारे ग्राम के प्रधान जी रामपाल जी और हमारे जो प्रगतिशील कृषक हिम्मत भाई साहब जिनके माध्यम से आज हम आप लोगों के गांव में पहुंचे हैं उनका, और हमारे जो न्याय पंचायत प्रभारी बसंत लाल जी हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस मंच में, जिस मंच में आज हम आप लोगों के सामने अपने बीज ग्राम कार्यक्रम और आत्मा के अंतर्गत जो हमारा सब्जी उद्यान का जो बीज वितरण वगैरह का कार्यक्रम है उसका संचालन करने हेतु जो है आज हम यहाँ पर पधारे हैं और आप लोगों के बीच इन सब चीज़ों के मुद्दे हम रखेंगे।
तक सीमित है नहीं। हम लोगों ने उनके माध्यम से आप लोगों को क्यों बुलाया कि जब वो कर रहे हैं आप भी थोड़ा बहुत उनके साथ मिलके जो है आस पास अगल बगल इसी टाइप से 8-10 लोगों का अपना एक ग्रुप बनेगा, 5-7 लोगों का एक ग्रुप बना, 5-7 लोगों का एक ग्रुप बना। उन्होंने कम से कम 2-2 हेक्टेयर की अगर जमीन आबाद कर दी, 2-2 हेक्टेयर से बहुत ज्यादा होती है। जब आबाद करोगे तो आपका सबका सब्जी वगैरह जो भी प्रोडक्शन है वो एक साथ बल्क में आगे प्रोड्यूस हो सकता है। आपने निकाला हमने जो है चाहे यहाँ पे मार्केटिंग की, अगर एक साथ बल्क में आएगा तो एक गाड़ी भी यहाँ से आप सतपुली भिजवा सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी उसकी। आज के डेट में 40 रुपए किलो गुड़द्वार में टमाटर चल रहा है, हमारे जयरीखाल में 80 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। सपोज अगर भाई साहब सब लोग बल्क में उठा तो आप लोग उठा के सीधा उधर जयरीखाल आ सकते हो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ये कार्यक्रम तो मैं अब आमदन करूँगा, हमारे यहाँ जो प्रगतिशील किसान हमारे यहाँ पे हिम्मत भाई साहब हैं, वो आके थोड़ा सा आप लोग जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेहनत करने से फल ही मिलेगा नहीं। अब हमने मेहनत किया है 16-17 साल वाले खेत पुराने बंजर लोन बुक किया था, मेहनत बहुत हुआ हमारा, छाले छूटे बहुत पड़ गए हमारे हाथों पे। हम अगर किया तो अभी हमने करके दिखाया कि हाँ भाई हो सकता है, बाकी क्या करना है अभी तो हमारा शुरू हो रहा है। अभी हम परीक्षण में जाएंगे, जब जान जान होगा प्रशिक्षण में सब जगह जाएंगे हम, उसके बाद सीख के आएंगे फिर करेंगे। फिर नहीं होगा अभी हम जैसे मोरल हमारे एक दो लड़कों की मोरल डाउन हुई कि उन्होंने क्या समाज में ये खा लिया वो खा लिया, तो खाता रहेगा कोई बात नहीं उसका, फिर वो होगा कि हाँ चार बार चाहिए वो चाहिए, तो एक दिन वो जब सक्सेस हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी क्या चाहूँगा, जैसे भाई साहब काम कर रहे हैं घेरबाड़ वगैरह के लिए, तो घेरबाड़ के लिए प्रधान जी के माध्यम से जो आप लोग जो है प्रस्ताव दे सकते हैं। तो मशरूम एक अंदरूनी जो हम कह सकते हैं कि कमरे के अंदर बंद खेती है, इसमें ना जानवरों का कोई भय है ना कुछ, और ये 3 महीने की फसल है। प्रथम महीने में यहाँ पे इसमें जो है कि बैग में माइसिलियम उसमें अंदर फफूंद जमती है, और दूसरे महीने से हमारे को पैदावार मिलने शुरू हो जाती है। और क्या क्या उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल किया, उन्होंने पुरस्कार भी एक बार पुरस्कार अचीवमेंट कर और वहाँ पे अपना मछली तालाब बना दिया है और कृषि से भी जुड़े हैं, साथ जो है उन्होंने 1000 पेड़ प्लांटेशन जो है सेब के लगाए थे, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी जो काम कर रहे हैं, सेब के बगीचा फिर दोबारा से तैयार कर रहे हैं। आप लाभान्वित हुए और आगे भी आने वाले टाइम में भी कभी भी आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपके खेतों में कोई बीमारी आ रही है, जानवरों में कोई बीमारी है, या सब्जी में कोई बीमारी है, किसी भी टाइप का, तो जो भी प्रॉब्लम है आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के साथ साथ आप तुरंत भी निदान कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो 1-2 घंटे दूसरे दिन आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी आप लोग को दे सकते हैं। आपको कोई रोग आ रहा तो रोग की फोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको जो है दवाई का नाम वगैरह हम उपलब्ध करवा देंगे, जो हमारे नियरेस्ट स्टोर में होगी तो हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। आप जाएं स्टोर से खरीदें और उसको जो है वहाँ पे अप्लाई करें, जिससे आप लोगों को कम से कम खेती बाड़ी जो बची रहेगी। धन्यवाद। मेरे उत्तराखंड में वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की
बुलाए है रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड।